पंजाबी मोहल्ले में कई दिनों से नल जल योजना का कार्य चल रहा है, जिसमें कई वाहन फंस रहे हैं। लोगों का पैदल निकलना दूभर हो रहा है, जिसके चलते आज काशीराम गौली की भैंस का गड्ढे में गिरने से पैर टूट गया। काफी मशक्कत के बाद भैंस को गड्ढे में से निकाला गया। फिर थोड़ी देर बाद वहां काम करने वाले व्यक्तियों से मोहल्ले के लोगों का काफी समय विवाद चला। कॉलोनी वासियों ने बताया कि हमारा इस गली से निकलना, गुरुद्वारे जाना, महिलाओं का आना जाना बंद हो गया है। जब से इस गली में नल जल योजना के गड्ढे खुदे हैं, ठेकेदार और इंजीनियर के ठिकाने नहीं हैं। तहसील मुख्यालय की ग्राम पंचायत का काम चल रहा। कृष्णा अग्रवाल का कहना है कि 15 दिन से पानी के लिए तरस रहे हैं, समस्या भोग रहे हैं। लोगों को नई लाइन डालने के बाद राहत की उम्मीद थी, लेकिन फिलहाल पाइप डालने का काम ही परेशानी का कारण बना हुआ है। झिरनिया से सुखदीप सिंह भाटिया की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।